और अभी मेरे साथ क्या हुआ, जैसे ही मैं बाहर आया ना तो मैंने देखा साक्षात साक्षात कृष्ण जी ने दर्शन दे दिया। मतलब मेरी आंखों को यकीन ही नहीं हुआ। ये मेरे सामने ये इधर ये पिलर है, ये वाला पिलर, ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी बजे हैं सुबह के 4:15। तो डॉली और मैंने डिसाइड किया था कि आज मंदिर आना है, सुबह 4:30 बजे की मंगल आरती अटेंड करनी है। तो किसी वजह से डॉली नहीं आ पाई, कोल्ड वगैरह उसे हो गया था, तो मैंने मना किया क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह नहाना था। मैंने कहा यार आप रहने दो, ये ना हो कि नहाने के चक्कर में, मंदिर जाने के चक्कर में आप बीमार पड़ जाओ, क्योंकि डॉली का हेल्दी रहना और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी हम सबके लिए, हमारे हमारी फैमिली के लिए। तो मैंने बोला था जी आप इग्नोर कर दो, मैं चला जाता हूँ अगर हमने बोल दिया है तो मैं इसलिए आ गया हूँ। सुबह जल्दी उठ गया था, तो रात को सारी तैयारियाँ करके सोया था। इनफैक्ट रात को 12 बजे गए थे सोने में, फिर एडिटिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन अब मंदिर आना था तो आना था, इसलिए सुबह सुबह जल्दी से उठ के अब आ गया हूँ। मंदिर मंदिर खुलेगा 4:30 बजे, अभी मेरे पास है 15 मिनट। तो मैंने कहा चलिए जी व्लॉगिंग कर ली जाए, और आज मैं भी आपको मंदिर में कान्हा जी के दर्शन करवा दूंगा। एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है सुबह 4:15 बजे। इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है ब्रह्म मुहूर्त का। एक्चुअली सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस कराया था ब्रह्म मुहूर्त से मेरी नानी जी ने, वो बार बार बोला करते थे कि ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त, कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता भ्रमण करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। तो तब भी छोटे थे तो ये बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब पता चला है कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, क्या चमत्कारिक फ़ायदे हैं ब्रह्म मुहूर्त के, तो इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। तो बस अभी दिखाते हैं आपको, कान्हा जी से मिलवाते हैं और मैं भी दर्शन करूँगा, आप भी दर्शन करना। फ्रेंड्स मंगल आरती हो गई है अटेंड और मैं बाहर आ गया हूँ। और अभी मेरे साथ क्या हुआ, जैसे ही मैं बाहर आया ना तो मैंने देखा साक्षात साक्षात कृष्ण जी ने दर्शन दे दिया। मतलब मेरी आंखों को यकीन ही नहीं हुआ, ये मेरे सामने ये इधर ये पिलर है, ये वाला पिलर, ये वाला पिलर, मैं ऐसे ही इसके पास था और मुझे ऐसा लगा ऐसे कृष्ण जी ने दर्शन दे दिए। तो यहाँ ऐसा लगता है सुबह सुबह आके अगर आप 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करो ना, तो ऐसा लगता है कि सब जगह भगवान ही है, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मतलब मिलता है, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो मेरे कहने पर ज़रूर एक बार आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह की मंगल आरती अटेंड कीजिए, आप देखेंगे मैं किस नेक्स्ट लेवल के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं घर। दिल्ली और मुंबई की खास बात यही है कि ये नाइट में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर किसी को दिल्ली और मुंबई घुमाना हो तो उसको नाइट में लेके आओ, नाइट में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। जितना दिन में इनको देखने का मन नहीं करता ना, उतना ही नाइट में मान के चलिए कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है ये दोनों सिटी, दिल्ली और मुंबई, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो कभी अपनी गाड़ी उठाइए और रात को दिल्ली और मुंबई की सड़कों पे घूमिए, तब आप फील करेंगे कि क्या मैं कह रहा हूँ, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। फ्रेंड्स अभी सिर्फ हुए हैं सिर्फ सुबह के, अब मैं घर जा रहा था, पहले मैंने सोचा वॉक कर लेता हूँ। अब वॉक में पार्क देख रहा था, पार्क में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो फिर मुझे देखी चाय की टपरी, मैंने कहा जी चाय मार ली जाए, जब जिंदगी कितने मज़े ले रहे तो चाय तो बनती बनती है। वो कहते हैं ना कि जी जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो जी कल का किसी को नहीं पता, आज में जियो, बस आज में, आज चाय मिले तो चाय पीते हैं। तो गाइस
उस दिन तो हमने आपको साग की वीडियो दिखा दी थी, बट हमने आपको साग सर्व करते नहीं दिखाया और खाते नहीं दिखाया। तो आज हमारे घर में दोबारा साग बना है, तो मैंने वो मौका मिस नहीं किया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से साग को प्रेजेंट करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, साग दोबारा बन गया हमारे घर में। अब सर्दी आऊंगी तो बार बार बनेगा। और ये है व्हाइट मक्खन, हरी मिर्च, और ये है खेत की टूटी हुई फ्रेश फ्रेश एकदम और मूली। ये आप, खेत का टूटा हुआ फ्रेश फ्रेश साग। हाँ जी, तो गाइज हम मक्के की रोटी काफी दिन से खा और रहे थे। ये आज फ्रेश हम फ्रेश ये हाँ, फ्रेश मैंने मक्के की बताया रोटी था, है, मैंने पता बताया था, है ये बताया ये था। हमारे कोई ये नोन है, हाँ उनकी जी, आटा की चक्की है, तो बस वो हमें ये सब चीजें दे जाते हैं, आटा दे जाते हाँ जी, हाँ हैं, जी, फ्रेश आटा, फ्रेश सिंघाड़े का आटा। हाँ और ये जी, कौन सा आटा है? ये है बाजरे बाजरे का का आटा। तो आटा। गाइज आपने मक्के के आटे के साथ तो साग बहुत बार खाया होगा, तो एक बार जरूर बाजरे के आटे के साथ जरूर ट्राई करना। तो हमारी मम्मी जी से रहा नहीं जा रहा है, तो हमारी मम्मी जी पहले खाएगी लपेट लपेट के साग। ये देखे इस तरीके से निवाले में लीजिए। अच्छा, इस तरीके से लेना है, ये दिखाओ, ये देखिए ये जी इस तरीके ऐसे से लीजिए आप मक्खन व्हाइट मक्खन। लीजिए, और ये जी लपेटिए साग साग, लपेटिए और ये डालिए जी अपने मुंह में। और ये मूली, मूली मूली आपको की, इसी स्टाइल में खानी है। हाँ मूली की आवाज सुनाइए। देखिए हरी मिर्च, माय बहुत फेवरेट, टेस्टी मूली, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। गाइस फ्रेश चीज़ें टूटी हुई को खाने में मज़ा ही कुछ और है। ये जो हमारा खेत का, हम बहुत लकी हैं कि जो हमारे घर के पास खेत है अभी। तो जी हरी मिर्च खेत की टूटी हुई नहीं है, बट फ्रेश है। तो जी हमारे स्वामी जी को साग ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसीलिए नहीं, पसंद नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी बना है। मम्मी जी ने बनाया, मम्मी जी को बोलो। अच्छा, मम्मी जी ने और बनाया जी है, उनके मक्के का और बाजरे बहुत के आटे की तो जितनी बढ़िया। तारीफ की जाए उतनी कम है। एकदम फ्रेश फ्रेश हमारे लिए आता है मक्के और बाजरे का आटा, तो सर्दियों में हमारी हो जाती है मौज और हमारा हो जाता है वेट पुट ऑन। चलिए जी इन दोनों को अब खाने देते हैं। हमने आपको दिखा दिया है स्वामी जी की फेवरेट मूली। स्वामी जी का यही स्टाइल होता है मूली खाने का। मैं काट के भी ला सकती थी, बट उनको ऐसी पसंद है। और मैं मम्मी जी के लिए लाती हूँ मूली के स्लाइस, क्योंकि मम्मी जी को खाई नहीं जाती साबुत मूली। तो चलिए जी अब मैं इनको खिलाती हूँ खाना। तो गाइस फाइनली बारी आ गई है मेरी, क्योंकि मैं सबको खिलाकर तब खाती हूँ, क्योंकि बारी मेरी सबसे एंड में आती है। क्योंकि हमारे घर में ये है कि सब्जियाँ वगैरह सब पहले बन जाती है और रोटियाँ बनती हैं एकदम गरम गरम। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि साग का सही तरीके से खाने का तरीका। और गाइस एक बार ज़रूर करना ट्राई साग के साथ चावल, हम स्पेशली बनाते हैं राइस साग के साथ। और गाइस मैं मक्के की रोटी की भी एक आपको बहुत ही अच्छी टिप देना चाहूंगी, मक्के की या बाजरे की जो भी आप रोटी बनाते हो उसके अंदर थोड़ी सी मूली ग्रेट करके डाल दीजिए, और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाल के तब बनाइए, इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। देखिए जी कितनी बेहतरीन टिप भी बना दी, बता दिए मैंने आपको इसके साथ। तो अब मैं इसको आपको खा के दिखाती हूँ। स्वामी जी और मम्मी जी तो शर्मा शर्मा के खा रहे थे क्योंकि कैमरे के सामने थे, पर मैं नहीं शर्माती हूँ। तो गाइस इस तरीके से रोटी को लीजिए, पास से दिखाओ, और ये ऐसे साग भरिए। और ये भी एकदम सॉफ्ट मूली है खेतों की, तो इसी से पता चलता है फ्रेश और रिफ्रेश, फ्रेश और अनफ्रेश चीजों का फर्क। तो गाइस बहुत ही फ्रेश मूली देख सकते हैं आप, इसको जो जानते होंगे पहचान गए होंगे। और इसी के साथ मैं आपको एक चम्मच राइस के साथ भी खा के दिखा दूं। इस तरीके से आप थोड़ा सा राइस लीजिए और ज्यादा साग लीजिए, और फिर आप इसको खाइए। हाँ मैं रही हूँ, स्वाद सिद्धि को पता चल रहा है। तो चलिए गाइस बहुत ही टेस्टी साग बना है, काश हम आपको खिला सकते। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं खा रही हूँ तो आप मेरे को देख के खुश हो जाइए। चलिए मैं खा लूँ।